चौकंडी कब्रिस्तान। चौकंडी कब्रिस्तान कराची से मशरकी जानिब नेशनल हाईवे पर 29 किलोमीटर या 18 मील के फासले पर बाएं जानिब वाक़िअ है। इस कब्रिस्तान में तकरीबन 600 कब्रें पीले रेतीले पत्थरों से बनाई गई हैं, जिन्हें जंगशाही के इलाके से लाया गया था। ये कब्रें 2.5 फीट चौड़ी और 5 फीट या 8 फीट लंबी हैं। इनकी ऊंचाई भी 4 फीट से लेकर 14 फीट तक पाई जाती है। पक्की कब्रों के अलावा भी यहाँ कब्रें 12 से जायद हैं। ये कब्रिस्तान तकरीबन 2 किलोमीटर के दायरे में वाक़िअ है। इन कब्रों पर आराइश और ज़िबाइश के जो नक़ूश व निगार बनाए गए हैं, वो हद दर्जा कीमती और नायाब हैं। इनमें से खास सिंधी, मुगल, इस्लामी तर्ज की जालियां भी लगाई हुई हैं, जो संग तराशी का बेहतरीन नमूना है। कब्रों पर नक्काशी के साथ साथ कुरानी आयात और दीगर खताती के बेशकीमती काम किए हुए हैं, जो लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा भी करते हैं और मुतासिर भी। कब्रिस्तान की बेशतर कब्रों का ताल्लुक जोखियो खानदान से है। बलोच कबाइल के भी लोग मदफून हैं। ये 15वीं सदी से 18वीं सदी तक की तामीरात हैं, जो मुगलों की हुक्मरानी का जमाना कहलाता है। अकेली कब्रों के अलावा बाज जगह 8 मुर्दों तक की कब्रें एक प्लेटफॉर्म पर हैं, और बहुत सी कब्रों पर छतरी बनाकर इस पर गुंबद या कुब्बा बनाकर ढक दिया गया है। ये कब्रें नीचे से बड़ी पैमाइश और कई दर्जों में छोटी पैमाइश के साथ ऐसे तामीर की गई हैं कि अहराम मिस्र या पैरामिड की शक्ल बन जाती है। मर्दों की कब्रों पर तावीज की जगह ताज या पगड़ी मनकूश है, जबकि खवातीन की कब्रों पर जेवरात की अशकाल बनाई गई हैं, जिससे मर्दों और औरतों में तख़सीस की जाती है। कब्रों की सिलों पर हिंसे, अशकाल, घुड़सवार, शिकार के मनाज़िर, दीगर निशानात और हथियार की अशकाल बड़ी हुनरमंदी से बनाई गई हैं। यहाँ पर कलमाती बलोच लोगों की कब्रें भी पाई जाती हैं। ये कब्रिस्तान बगैर किसी निगहदाश के कई सालों से नज़रअंदाज हो रहा था, लेकिन 1851 में ठट्ठा के असिस्टेंट कलेक्टर ने हुकूमत को इस तरफ माइल किया, और फिर 1904 में इसकी देखभाल सरकारी सतह पर शुरू हो गई। ऐसी कब्रें मंगोपीर, सुराकोट और सोन मियानी के इलाकों में पाई जाती हैं। 1910 के लगभग कुछ कब्रें इसी अंदाज की दरियाफ्त हुई, जिन पर पुरानी आयात या दीगर नक्शो निगार के अलावा मर्दों या कबीलों के नाम दर्ज थे। जोखियो या जोखिया अफराद जिनसे ये कब्रें ज्यादातर वापिस्ता पाई गई हैं, इस कबीले के अब भी इस कब्रिस्तान के कर्ब जवार में आबाद हैं। सिंध में तकरीबन इस तर्ज के 20 मुख्तलिफ कब्रिस्तान पाए जाते हैं। बास कब्रों पर 1754 के अल्फाज दर्ज हैं, मियाँ गुलाम शाह कलोड़ो जो 1772 में वफात पा गए थे, इनकी कब्र पर भी इसी अंदाज की तहरीरें कुनंद हैं। ये तर्ज तामीर न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि हिंदुस्तान के इलाके राजस्थान, गुजरात में मंडा कबाइल की कब्रों में भी पाया जाता है, क्योंकि वहाँ के राजपूतों का भी बड़ा गहरा ताल्लुक जोखियो, नुमेरी, बुरफात और कुछ के महाजरीन लाशारी कबाइल से रहा है, जो सिंध और मकरान में समा हुक्मरानों के दौर में यहाँ हिजरत करके आ गए थे। यही तर्ज तामीर ठट्ठा के करीब मकली पहाड़ी पर वाके दुनिया के सबसे बड़े कब्रिस्तान में भी पाया जाता है। चो सिंधी में चार को कहते हैं और खुंडी पाए को या कोने को कहते हैं, लिहाजा वो जगह जो चार उमूदों पर एक छतरी या कुबे को घेरे वो चो कुंडी कहलाती है।